गुड आफ्टरनून एवरी वन। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द लास्ट लेक्चर। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, देन वी हैव डिफाइंड द टाइप्स ऑफ डेटा। यू हैव ऑल्सो आंसर्ड द रॉ डेटा। व्हाट इज द रॉ डेटा? अनप्रोसेस्ड डेटा। देन टाइप्स ऑफ डेटा, सो बेसिकली इट इज अ टू टाइप्स ऑफ डेटा, मीन्स वेरिएबल। We deals with we always deal with a variable, not a constant. Constant do not do not change. So statistics is all about the change. Okay, height, weight, temperature, all these change. That's why we need to analyze it. Okay, if values are fixed, then there is no need of analysis. Statistics is meant for the analysis. Then variables are of two types. So then quantitative variable and qualitative variable. So quantitative variable, this can be measured numerically. Qualitative cannot be measured in numerical. So qualitative variables are also called as an attribute, and quantitative variables, for example, height, weight, temperature, mass. So you have four units in this syllabus. So among that, unit 1, unit 2, unit 3 are fully dedicated to the qualitative data, quantitative data. Okay, so you see the variables in that, you will find all those are quantitative variable. Okay, just like graphs, diagrams, then central tendency, dispersion, skewness, kurtosis, correlation, regression, all these things are quantitative. Qualitative ke liye aakhri unit hai, unit 4, attributes of measures of attribute. Okay, so that in that we will see the how to deal with the qualitative data. Then quantitative data further classified into two categories, discrete variable and continuous variable. So discrete variable kya hota hai? Variable takes single isolated value, jaise ki number of student present last week. तो मेरे जितने भी लेक्चर हुए, चार लेक्चर में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो एक फिक्स नंबर होगा, वही डिस्क्रीट वेरिएबल है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो एक फिक्स नंबर होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा. ओके, सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ हाईवे, नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज ऑफ अ बुक, इट विल नॉट बी अ फ्रैक्शन. ओके, सो इफ द वेरिएबल अज्यूम्स अ सिंगल वैल्यू, आइसोलेटेड वैल्यू, देन वी कॉल इट एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. कंटिन्यूस वेरिएबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द पर्टिकुलर रेंज और क्लास इंटरवल. जैसे कि लाइन है, लाइन के बीच में 0 और 1 के बीच में एक लाइन है, वो लाइन में कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, जैसे कि वो सेट फॉर्म में लिखा हो सकता है. दूसरा जो तरीका है उसे कंटिन्यूस वेरिएबल को मेंशन करने का, वो है क्लास इंटरवल्स. तो क्लास इंटरवल्स में जैसे कि मार्क्स 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो पर्टिकुलर क्लास में, तो ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल है. तो टू सम अप, कंटिन्यूस वेरिएबल को हम एक तो सेट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इट टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज. और डिस्क्रीट जो है सिंगल वैल्यू कंसिडर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास टूडे. अगर ये मैं अगर काउंट करूँगा तो मुझे एक फिक्स नंबर मिलेगा, इट विल बी नॉट इन अ फ्रैक्शन. तो हम डेटा के टाइप्स देख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग. डेटा किस तरह से कलेक्ट हो रहा है इसके ऊपर अगर देखा जाए तो दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं. एक है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा यानी कि वो डेटा जो अनप्रोसेस्ड है, रॉ डेटा हम जिसे बोल सकते हैं, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्टली हमने खुद कलेक्ट किया हुआ है. कैसे कि आपको प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के दौरान अगर आप लोग खुद क्वेश्चन डिज़ाइन करते हो, क्वेश्चन आयर, और आप खुद फील्ड पे जाके सर्वे करते हो, तो वो जो डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा. टीचर जो मार्क्स पेपर चेक करने के बाद नोट डाउन करते हैं, वो भी प्राइमरी डेटा है. डेटा प्राइमरी डेटा मिलने के और भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप इंटरव्यू ले सकते हो, सर्वे और इंक्वायरी, ये दो ही तरीके हैं जिससे आप प्राइमरी डेटा ये कर सकते हो. या फिर एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट लोग अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनके जो ऑब्जर्वेशन है वो भी प्राइमरी डेटा आएगा, है ना. लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन, उसके रीडिंग्स आप नोट डाउन कर रहे हो, तो वो भी प्राइमरी डेटा कहलाएगा. ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट हो रहा है, मिल रहा है आपको, उसे हम प्राइमरी डेटा कहेंगे. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तीन तरीके हैं. ओके, सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम इंटरव्यू भी कहेंगे, आप डायरेक्टली इंटरव्यू ले लो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए.
इनडायरेक्ट और ओरल इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप मेल थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे हम गूगल फॉर्म करते हैं। गूगल फॉर्म क्या है, एक तरह से इंटरव्यू है, इनडायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन। या फिर आप टेलीफोनिकली, टेलीफोन से हमको आए दिन हर बार यानी कि कॉल्स आते रहते हैं, हमारे सर्विस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कोई अगर होटल में गए तो उसके बाद कॉल आता है या फिर कुछ मैसेज होता है कि हाउ वाज द सर्विस क्वालिटी। या फिर आज आप सर्विस सेंटर पे कॉल करते हो तो कॉल बैक होता है कि सर्विस कैसे हुआ, क्या हुआ, तो जो फीडबैक लेते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वो सब इसमें आ जाता है ना। जैसे टेलीफोन से आप इंटरव्यू ले सकते हो तो वो भी इसमें आएगा। इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चन आयर, ये सबसे ज़्यादा, सबसे फेमस और सबसे वाइडली यूज़ होने वाला ये तरीका है। ओके, तो आप क्वेश्चन आयर बनाते हो, जो भी इशू है, जो भी सर्वे है, जो भी टॉपिक है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन आयर बनाते हो और उसमें फिर आप ये फील्ड में जाके कंडक्ट करते हो, रिस्पोंडेंट से आप कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन। कल मैंने बताया था इन्वेस्टिगेटर यानी कि रिसर्चर, जो कि आप हो, अगर आप सर्वे करते हो तो आप इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे, और जिससे आप इन्फॉर्मेशन लेने वाले हो वो बन जाएंगे रिस्पोंडेंट। उसके बाद हमने मेरिट्स और डेमेरिट्स ऑफ प्राइमरी डेटा देखा था। तो प्राइमरी डेटा के मेरिट्स क्या है कि ये एक्यूरेट है, ये बहुत वेरी एक्यूरेट है, इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यानी कि पहले किसी ने करके रखा हुआ है और वो हम यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि एक थर्ड पार्टी की तरह हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंडरी डेटा के कंपैरिजन में प्राइमरी डेटा हमेशा हमेशा एक्यूरेट ही रहेगा और वो रिलायबल भी रहेगा ज़्यादा, और वो उसमें बायस नहीं होगा। सेकेंडरी डेटा में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, पर प्राइमरी डेटा में हम ये मैनिपुलेशन नहीं रहता है, तो ये पर्सनल बायस नहीं होता इसमें। और प्राइमरी डेटा जो भी कलेक्ट करता है उसके पास उसकी ओनरशिप होती है, चाहे तो वो उसे पब्लिकली अवेलेबल कर सकता है, उसे पेटेंट कर सकता है, उसे सेल भी कर सकता है। ठीक है, ऑथेंटिक एंड अप टू डेट डेटा, ये जो डेटा होता है जो प्राइमरी फील्ड पे जाके हम करते हैं वो ऑथेंटिक होता है, अप टू डेट होता है, क्योंकि आज के सिनेरियो में हमने वो डेटा कलेक्ट किया है रियल टाइम में। ओके, फुल कंट्रोल ओवर द डेटा, डेटा के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आयर में, या फिर इंटरव्यू अगर आप ले रहे हो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप मान लो कि अचानक से नया क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन भी उसमें ऐड कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन को हटाना है तो डिलीट भी कर सकते हो। तो डेटा कैसा चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ये इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होता, यानी कि इसमें किसी के बायस होने के चांसेस कम होता है। डिमेरिट्स क्या है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक, वैसे प्राइमरी डेटा देखा जाए तो सबसे रिलायबल है, बट प्रैक्टिकल अगर ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर हम देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो है प्राइमरी डेटा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि आपको फील्ड में जाके ये कलेक्ट करना होता है, जिसके लिए टाइम चाहिए, है ना। अगर आप एक एग्जांपल आपको देता हो, किसी कंपनी का अगर आपको डेटा चाहिए, है ना, तो कंपनी का डेटा चाहिए तो आप डायरेक्ट कंपनी में जाके अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को पूछते हो तो उसमें समय लगेगा। एक्सपेंस ये आएगा कि आपको वहाँ पे जाके ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा, तो एक्सपेंस भी आ गया। फिर वहाँ के लोगों का अगर डेटा आपको सेशन रखना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो आपको फिर उनका अरेंजमेंट, जो भी रिफ्रेशमेंट है, उसका खर्चा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये एक्सपेंसिव है ना, इसमें टाइम, मनी, मैन पावर, ये सब कुछ लगेगा, इसलिए ये हमेशा यूज़ होगा ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होगा, यानी कि हर बार यही यूज़ होगा ऐसा नहीं है। ओके, तो अगर वो कंपनी का डेटा मुझे उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है तो मैं क्यों ना वो डेटा मैं कलेक्ट कर लूँ। तो ऐसे केस में जो है हम सेकेंडरी डेटा को प्रेफर करते हैं। तो टू समरी, एज अ समरी, प्राइमरी डेटा जो है वो मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, ये बात सही है। और पर ये बात को भी ध्यान में रखना है हमको कि एक्सपेंस इसमें ज़्यादा आएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, मैन पावर लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को तौल के जो भी बेटर लगेगा वो फिर कर सकते हैं।
सेम इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अगर अवेलेबल है तो हम प्रेफर करेंगे कि विल गो ऑन द वेबसाइट एंड कलेक्ट द डेटा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? प्लीज आप थम करो यहाँ पे. इफ यू अंडरस्टैंड दिस ब्लो योर थम्स. ओके थैंक यू. तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा यानी कि वो कि जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है. यस थैंक यू. किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और आप उसे थर्ड पार्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है. इट इज़ जैसे कि आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है ना. वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं किया होता है बट कंपनी के लोगों ने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वेबसाइट पे अपडेट किया होता है. अपने कॉलेज की वेबसाइट आप देख लो. अपने कॉलेज की वेबसाइट से अगर आपको कुछ डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. उसके लिए किसी और ने एफर्ट्स लगाए हैं. ठीक है. पर वो आपको इजीली आप वो ले सकते हो, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इट इज़ अवेलेबल बाय समवन एल्स बट मेड अवेलेबल फॉर यूज़. उसके बाद इजीली एक्सेसिबल टू रिसर्चर. ये हमको इजीली एक्सेसिबल है. ओके जब चाहे हम वेबसाइट पे जाके हम ये ले सकते हो. अगर आपको स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए, आपको किसी कंपनी का जो है पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप जस्ट वो अलग अलग साइट्स है उस पर जाके आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. ओके उसके बाद सोर्सेस. इसके सोर्सेस क्या है, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या होते हैं? एक तो ट्रेड पब्लिकेशन. हर कंपनी अपना जो बिजनेस है वो नेशनल ट्रेड पब्लिकेशंस होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उससे आपको ये डेटा मिल सकता है. गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. गवर्नमेंट की एक अलग ब्रांच है जो इन सब डेटा से डील करती है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो उनके वेबसाइट से भी आप ये जानकारी ले सकते हो. जर्नल्स, अलग अलग जर्नल्स होते हैं, उनसे भी आपको मिल सकता है. और कंपनी के जो भी वेबसाइट्स है वहाँ से आपको डेटा मिल सकता है. पीरियडिकल्स है वहाँ से मिल सकता है, रिपोर्ट्स है वहाँ से मिल सकता है. किसी कंपनी का आपको बिजनेस देखना है तो थर्ड क्वार्टर यानी कि एवरी क्वार्टर वो पब्लिश किया जाता है रिजल्ट. क्वार्टरली बिजनेस वर्ल्ड में जो है क्वार्टरली यानी कि रिपोर्ट जनरेट होते हैं. कोई भी बिजनेस है, मान लो कि इंफोसिस कंपनी है या फिर HCL कंपनी है ना, कोई भी कंपनी है, तो उनके जो बिजनेस को उनके बिजनेस हर कोई बिजनेसमैन जो है जो भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो वो हर तीन साल में जिसे हम क्वार्टर सॉरी हर तीन महीने में क्वार्टरली रिपोर्ट्स बोलते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स डिस्प्ले करते हैं. ये क्वार्टरली रिपोर्ट से भी जो है हमको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है वो कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में. तो ये भी एक सेकेंडरी डेटा हो सकता है जो रिपोर्ट्स कंपनी पब्लिश करती है. तो ये कल तक था और आज हम नए टॉपिक देखने वाले. इन मेनी केसेस सोर्सेज कैन नॉट बी ट्रस्टेड और ऑथेंटिक. हाँ, ये एक इसका लिमिटेशन ये हो सकता है या फिर एक डिमेरिट्स अगर हम कहें तो ये हो सकता है कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकते. अगर ऑथेंटिसिटी चाहिए, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, तो प्राइमरी डेटा इज़ द बेस्ट वन. और अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एक्सपेंस अगर आपको आपका नहीं है ज़्यादा, अगर आपको एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो आप सेकंड डेटा प्रेफर कर सकते हो. कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम रहेगी, मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. तो मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, दोनों डेटा के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है. तो मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे सारे फीचर्स जो है अपडेटेड रहते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे सारे लेक्चर सबको मिल जाएंगे. ठीक है, अभी हम आएंगे आज के टॉपिक के ऊपर. टाइप्स ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. अभी तक हमने मेथड ऑफ कलेक्शन के बेसिस पे टाइप देखा था. उसके पहले हमने देखा था रॉ डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ये इस तरह का. तो दो तरह के अलग बेसिस पे हमने टाइप्स देखे हैं. एक है वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म्स में, दूसरा हमने देखा मेथड्स ऑफ कलेक्शन के टर्म्स में. अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द नेचर. नेचर के हिसाब से डेटा के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर रहना है कि ये डेटा का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. तो इसलिए मैं ये सब बातें
अब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ किस तरह के डेटा होते हैं, वो डेटा में आपको डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन सबका दे दूंगा। टाइम सीरीज डेटा क्या कहते हैं, जब आप इक्वल इंटरवल पे डेटा कलेक्ट करते हो, है ना, इक्वल इंटरवल, यानी कि बिजनेसमैन जैसा अपना डेटा जो है वो रेगुलरली अपडेट करता है, यानी कि मंथली, मंथ वाइज, डेली, मंथ वाइज, ईयर वाइज, तब जाके उसको बिजनेस का हालचाल पता चलता है ना। तो ईयरली बेसिस, मंथली, डेली बेसिस, मंथली बेसिस एंड ईयरली बेसिस पे जो बिजनेस का अपडेट रखता है कि आज सेल्स कितना हुआ, फिर प्रॉफिट तो महीने के महीने दिखता है पर वो हर दिन का सेल्स का रखता है और एवरी मंथ ही अपडेट्स इट। तो टाइम सीरीज डेटा यानी कि क्या है कि इक्वल इंटरवल पे जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उसे हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ओके, सो इट इज़ द सीरीज ऑफ डेटा अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है डिफरेंट सेंसस ईयर, तो हमारे यहाँ पे हर 10 साल बाद जो है सेंसस होता है, देश में कितनी लोग रहते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का हम जानकारी रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस कंडक्ट करती है। ओके, तो पॉपुलेशन, सेंसस, गोल्ड प्राइसेस, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो देखोगे गोल्ड प्राइसेस को डे वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, सब मिले। तो इक्वल इंटरवल पे जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उसे टाइम सीरीज डेटा कहते हैं, इक्वल इंटरवल। इसे एक वर्ड है, वो वर्ड आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस ये सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, टाइम सीरीज डेटा यानी कि। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑब्जर्व एट पर्टिकुलर टाइम एट सेवरल प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यूज क्या है, इसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ फैमिली इन सर्टन एरिया इन अ पर्टिकुलर मंथ, यानी कि हम सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है ये पर्टिकुलर मंथ में, ये पर्टिकुलर मंथ ईयर में, है ना, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ अ सर्टन कमोडिटी, यानी कि आप पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। यानी कि मान लो कि अभी रिसेंट में ये कोल का प्रॉब्लम हुआ था, है ना, चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चाइना में ही हो रहा है या इंडिया में भी हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है या अमेरिका में भी हो रहा है, तो ये सेम चीज़ के बारे में अलग अलग जगह पे जो आप जानकारी इकट्ठा करते हो सेम टाइम पे अलग अलग इसमें, तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल डेटा कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया है तो थंब कीजिए, जस्ट ब्लो योर थम्स ऑन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, योर थम्स मोटिवेट मी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स। तो क्रॉस सेक्शन यानी कि एट द सेम पॉइंट और पर्टिकुलर टाइम ऑब्जर्वेशन आर एट डिफरेंट लोकेशंस। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेटा, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल डेटा कहेंगे, है ना। तो इंडस्ट्रियल डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग एंड एक्सेसिंग द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, प्रोसेस एंड सिस्टम। तो जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे टाटा मोटर्स है, कार मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका जो भी प्रोडक्शन है, उसका जो भी सेल्स है, उसका जो भी प्रोसेस है, वो जो सिस्टम है, उसके बारे में जो भी डेटा रहेगा, है ना। अभी कौन सा कार टाटा ने ये किया है, टाटा पंच, बराबर, टाटा पंच कंपनी में लाया हुआ है, बराबर। तो टाटा पंच की कंपनी की कितनी डिमांड है, शायद से वो उसका क्लोज भी हो गया है, 21,000 रुपये दे के उसको बुक करा सकते हैं। इट इज़ अ मिनी एसयूवी, मिनी एसयूवी, है ना, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो जिसे हम कहते हैं। तो इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स है, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट एन एग्जांपल। तो इंडस्ट्री की बात चल रही है, तो फिर इंडस्ट्रियल जो डेटा रहेगा उसको हम इंडस्ट्रियल ये कहेंगे, इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस और सिस्टम के बारे में ये डेटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शनल और सर्कुलर डेटा, डायरेक्शनल और सर्कुलर डेटा जिसे हम कहेंगे, ओके, द वेरिएबल्स विच आर साइक्लिक एंड रिदमिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू टाइम।
आर कॉल्ड अ डायरेक्शनल डेटा. फॉर एग्जांपल कि स्लीप वेक साइकिल, एक इंसान, हम जैसे एक इंसान है तो हमारे एक साइकिल होती है स्लीप साइकिल, है ना. हमको पर्टिकुलर जो है टाइम में नींद आती है, पर्टिकुलर इसमें हमको हम उठ भी जाते हैं, हमारे काम करने का हमारे बॉडी को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके हिसाब से बॉडी काम करती है, ब्रेन. तो हमारा एक साइकिल हो जाता है स्लीप साइकिल, है ना. पर्टिकुलर टाइम हुआ कि हमको नींद आएगी, जो रात रात भर काम करते हैं, जाए जागते हैं, यानी कि पढ़ाई, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली नाइट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. नाइट में जो साइलेंस होता है, पढ़ाई करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं. तो हर एक का कोई स्लीप साइकिल होता है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. उसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, ओके. उसके बाद बॉडी टेम्परेचर का साइकिल होता है, ब्लड प्रेशर का साइकिल होता है, ओके. तो ये चीज़ें कैसे होती है कि डायरेक्शनल होती है, यानी कि कम होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, या फिर वो साइकिल की तरह होता है, या फिर दो चीज़ें हैं, एक है डायरेक्शनल और दूसरा है साइक्लिक, ठीक है. तो इसमें दो चीज़ों की बात करें, ये साइक्लिक है, ओके. और डायरेक्शनल यानी कि बीपी कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, इजंट इट ऑल दिस थिंग. जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर बात करें तो वो भी कम ज़्यादा होते रहता है, ओके. कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें भी कभी कभी बीपी कम ज़्यादा होता रहता है. तो इसमें दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल और साइकुलर में, कि एक तो कम ज़्यादा होता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, या फिर ये साइक्लिक नेचर होता है, ओके. ये एक साइकिल की तरह चलता है, वापस से वही सिचुएशन, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल और स्लीप वेक साइकिल की बात करें. तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये डेटा के क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है. किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. ओके, ये बेसिक्स है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे आपको सब क्लियरली समझ में आता है तो इसका मतलब आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो डेटा को क्लासिफाई करने का क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूँ. कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देके हम इसको समझेंगे, ठीक है. सबसे पहले तो मैं आप स्टूडेंट्स की बात लूँगा, स्टूडेंट्स के एग्जांपल लूँगा. अगर स्टूडेंट्स की बात करें, अब जैसे हमें हमारे कॉलेज में जो जो भी कोर्स है, हमारे कॉलेज में बीएससी सीएस है, बीबीए है, बीकॉम है, बीएससी एनिमेशन है ना, कई सारे कोर्सेज है. उसमें भी ईयर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. एमएससी है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है. अब जो भी फ्रेश एडमिशन हो रहे, मान लो कि मैंने उन सबको एक ही क्लास में अगर मान लो कि शामिल कर दिया, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम ले लिया मैंने जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं, उसमें सबको मैंने डाल दिया, यहाँ पे सबको रखा मैंने, ठीक है. कोई किसी के सब्जेक्ट सेम है तो किसी के सब्जेक्ट अलग अलग हो रहे हैं, है ना. तो क्या होगा मुझे बताइए, सबको एक साथ मैंने पढ़ाया, 1000 लोगों को एक साथ पढ़ाया, एक ही क्लास में रखा. तो बीएससी अगर ये लेक्चर अगर साइंस सब्जेक्ट का है, साइंस में भी फ़र्क है पर फिर भी साइंस का सब्जेक्ट है तो अकाउंट्स वाला चिल्लाएगा, कॉमर्स वाला चिल्लाएगा, अकाउंट्स का है तो साइंस वाले चिल्लाएंगे, है ना. एनिमेशन का है तो उनको अगर एनिमेशन के सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो बाकी लोग. कहने का मतलब क्या है कि डेटा को हम, ये एक ऐसे रॉ डेटा है, यानी कि एक तरह से रॉ डेटा है, यानी कि हर वैल्यूज है इसमें, हर ऑब्जर्वेशन है इसमें, इसको अच्छे से प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम लोग, अभी ये एग्जांपल का अगर मैं आगे आपको समझाऊँ तो सारे स्टूडेंट्स को एक साथ रख के पढ़ाने से अच्छा है मैं उनका जो है कोर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ. मैं इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में मैं ये देखूँगा कि भाई बीएससी कंप्यूटर साइंस के कितने हैं, बीबीए के कितने हैं, बीकॉम के कितने, अभी मैं तीन ही कंसीडर करता हूँ, ठीक है. फिर बीएससी के स्टूडेंट्स में मान लो कि बीएससी के ये सपोज 800 स्टूडेंट्स है अभी फिलहाल, फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन सपोज, ओके, न्यू एडमिशन एक एग्जांपल.
तो इसमें बीएससी के मान लो चलो 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये 400 में से फिर एफवाई के कितने हैं, एसवाई के कितने हैं? बीएससी के सभी स्टूडेंट्स 400 स्टूडेंट को एक साथ रखना भी पॉसिबल नहीं होगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी जो अभी पहले आई थी, है ना। तो उसमें मैं देखूंगा कि चलो एफवाई को मैं एक अलग इसमें, तो एफवाई के पता चला हमारे पास अभी 200 स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, ओके। तो मान लो कि अभी 180 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मान लो कि एक सपोज मोटा मोटी जो है 150 स्टूडेंट्स हैं, बचे वाले स्टूडेंट टीवाई में हैं कहीं, ठीक है, ओके। तो बीबीए के भी हमने ऐसे ही किया, बीबीए के मान लो कि 180 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन है, बीकॉम के भी वैसे ही किया। तो इससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं प्रोसेस, हमने सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में ना रखते हुए, एक बड़े ऑडिटोरियम में ना रखते हुए, हम पहले तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई उनका कोर्स क्या है, और वो कोर्स के अंदर में ये देख रहे हैं कि वो किस ईयर को बिलोंग करते हैं, एफ वाई एस वाई, तो फिर तब जाके आपको पढ़ाने में मुझे ईजी जाएगा। अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर मैंने अभी से आपको टीवाई का सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? आपको टीवा पाइथन पढ़ा दिया, आपको सी प्लस प्लस, ओरेकल, जावा, डॉट नेट, वीबी, ये फ्यूचरिस्टिक जो है, जो आने वाले कोर्सेस है, वो अभी पढ़ा दिया, और जो आपको बेसिक ही नहीं पढ़ाया तो भी दिक्कत होने वाली है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो अब ये सिनेरियो आपको ध्यान में आ गया, मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, ये मैं इरेज करता हूँ, अब ध्यान में रखना ये। आपको हिंट मिला होगा कि क्यों क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, टू इलिमिनेट द अननेसेसरी डिटेल्स एंड टू फेलिसिटेट द कंपैरिजन, ओके, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के लिए। अभी सब लोग साथ में बैठे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए इस साल, तो समझ में नहीं आएगा कितने बीएससी के, कितने बीबीए के, कितने बीकॉम के हैं, कितने एनिमेशन के हैं, कितने एसवाई के हैं, कितने टीवाई के हैं, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे ये चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन रहेगा, ब्रीफ रहेगा, ब्रीफिंग यानी कि पता नहीं चलेगा इसमें कि कितने हैं, पर अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ तो मुझे एफवाई के कितने हैं, एफवाई यूजी के कितने हैं, एफवाई पीजी के कितने हैं, उसमें भी बीकॉम के, बीएससी के, ये सब डिटेल्स मुझे ब्रीफिंग हो जाएगी। तो देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ। यूटिलिटी, अगर आपने क्लासिफाई किया तो उसकी यूटिलिटी, उसके यूजेस बढ़ेंगे, उसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ेगी, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे यूज़ में कर सकते हैं। ये रॉ डेटा को कहाँ पे यूज़ करेंगे बताइए मुझे, कहीं डिस्टिंक्टिवनेस, उसका एक अनोखापन है, डिस्टिंक्टिवनेस है। आपको जिस जब मान लो कि आगे जाके आपको कुछ अरेंज करना है, बीकॉम के लिए एक गेस्ट लेक्चर रखना है, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक इंडस्ट्री पर्सन का गेस्ट लेक्चर रखना है, तो पर्टिकुलर वो टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर गेस्ट लेक्चर रखना है, तो बीकॉम को बुला के क्या फ़ायदा, बीबीए को बुला के क्या फ़ायदा, समझ में आ रहा है? तो वो एक डिस्टिंक्टिवनेस रहेगा कि आप अपने जो टारगेटेड स्टूडेंट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर गेस्ट लेक्चर है, तो टेक्निकल स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाओ, उनको एक्सपोजर दो, तो ये एक डिस्टिंक्टिवनेस रहेगा। कंपैरेबिलिटी, आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग डिवीजन, पर्टिकुलर अगर आप एग्ज़ाम लेते हो कोई, मान लो कि प्लेसमेंट के लिए आप एप्टीट्यूड एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो, तो फिर एप्टीट्यूड में साइंस के स्टूडेंट का कैसा रिस्पॉन्स है, बीबीए का कैसा है, कॉमर्स का कैसा है, आप कंपेयर कर सकते हो, बराबर। अगर आपने ये क्लासिफाई नहीं किया तो इसे मैं एक ही जनरल टर्म यूज़ करूँगा, ये सिर्फ स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट्स है, बट कौन से स्टूडेंट्स है कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। पर अगर आप क्लासिफाई करते हो तो पता चलेगा कि साइंस के इतने हैं, उसमें भी एफ वाई एस वाई क्यू वाई है, कॉमर्स के इतने हैं, उसमें भी एफ वाई एस वाई है, तो कंपेयर कर सकते हो आप साइंस के साथ कॉमर्स के साथ, कॉमर्स का मैनेजमेंट के साथ, और ऐसे इंटर कंपेरिजन कर सकते हो, या फिर एफ वाई के एस वाई के साथ, तो अंदरून लेवल पर कंपेरिजन कर सकते हो, एक्सटर्नल लेवल पे कर सकते हो, साइंस टू कॉमर्स, कॉमर्स टू, या फिर अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के किसी अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो अगर आप क्लासिफाई कर सकते हो तो आप हर लेवल पे डेटा को कंपेयर भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ब्लो योर थम्स इफ यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। तो इफ़िशेंसी बढ़ जाती है,
जब आप सही चीज़ के लिए सही डेटा यूज़ करते हो तो उस डेटा की इफ़िशेंसी बढ़ जाती है, उसका यूज़ बढ़ जाता है, उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस का डेटा चाहिए, क्योंकि उनके लिए आपको कुछ अरेंज करना है, टेक्निकल सेशन अरेंज करना है, कुछ कॉन्फ्रेंस करना है, सेमिनार करना है, वर्कशॉप करना है, तो बाकी लोगों को बता के क्या फ़ायदा। आप जो वर्कशॉप है, टेक्निकल वर्कशॉप, आप जिनको टाइम उनको बताओ ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना। उसमें अगर बीकॉम के भी आ गए, बीसीए के भी आ गए, बीबीए के भी आ गए, तो कचरा हो जाएगा पूरा। तो टेक्निकल वर्कशॉप है तो टेक्निकल लोगों को बुलाओ, तो वो वर्कशॉप की इफिशेंसी बढ़ी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन का जो है मोटो समझ में आया है, ऑब्जेक्टिव समझ में आया है। देर इज सम डिस्टर्बेंसेस, मे आई रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट। थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए उसके रीज़न हमने देखा है, और क्लासिफिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कंप्रेंसिवनेस होना चाहिए। कंप्रेंसिव का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन शुड कवर ऑल द आइटम्स ऑफ द डेटा। इन अदर वर्ड्स, इट शुड बी सो कंप्रेंसिव दैट इट क्लासिफाइज ऑल आइटम्स इन सम ग्रुप और सम क्लास। यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट की मैंने बात किया है, तो जितने भी 1000 स्टूडेंट्स हैं, ये 1000 स्टूडेंट को उनके पर्टिकुलर क्लास के अंदर में वो आने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। यानी कि बीएससी का बंदा बीएससी में जाना चाहिए, बीकॉम का बीकॉम में जाना चाहिए, बीबीए का बीबीए में, अगर कोई एनिमेशन का है तो एनिमेशन का उनको क्लास में आना चाहिए, वो इंक्लूड होना चाहिए। तो ये कंप्रेंसिवनेस कहते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई एक बंदा दो क्लास में नहीं रहेगा, बराबर है। यानी कि दो बाइक पे सवार होकर जो गाड़ी चलाने वाली बात होती है, वैसा नहीं होगा। क्लैरिटी होनी चाहिए विच क्लास इट बिलोंग। तो हर किसी को क्लैरिटी होगी कि बी एस सी को बिलोंग करते हैं, बी कॉम को बिलोंग करते हैं, बी बी ए को बिलोंग करते हैं, ये है ना ऑल दिस थिंग। होमोजेनिटी होनी चाहिए कि बी एस सी के सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास के अंदर में, आप सभी, आप में से कोई है क्या, कोई एस वाई में है। होमोजेनिटी, आप लोगों में समानता क्या है। होमोजेनिटी यानी कि क्या होता है, समानता। आप सभी लोगों में क्या समानता है, क्यों आप साथ में पढ़ रहे हो, ये क्लास के अंदर में क्यों हो आप। आप इसलिए हो क्योंकि आपने FY BSc कंप्यूटर साइंस कोर्स को सिलेक्ट किया है, और इसमें आपको स्टैट्स का, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का पेपर है, मैथमेटिकल स्टैट्स है, और भी कंप्यूटर साइंस के पेपर्स है, इसलिए आप साथ में पढ़ते हो, क्योंकि आपका कोर्स सेम है। आप में से सभी का, सभी ने FY BSc कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, इसीलिए आप सभी के साथ में क्लास है। आप में से कोई ऐसा है क्या कि कोई BBA भी कर रहा है साथ में, नहीं होगा ऐसा, है ना। तो कहने का मतलब आप समझ गए हो कि होमोजेनिटी चाहिए, आप सब में एक होमोजेनिटी है, एक समानता है कि आप सबके कोर्स एक है। देन सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको एक्सक्यूज मी सर, यस सर, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, विल यू प्लीज पिन, आप पिन करो मेरे इस पे, पिंग मी। Is it visible now? पिन करो यहाँ पे, जहाँ एस के ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको पिन करो आप। दिखाई दे रहा है बेटा अभी? No, sir. अगर आप पिन करोगे ना, वहाँ पे देख सकता है, क्योंकि मैं भी साइमल्टेनियसली ज्वाइन हूँ मेरे मोबाइल से, और अभी मैं लैपटॉप से ले रहा हूँ, तो मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है। पिन कैसे करते हैं? पिन यानी कि मेरा, देखो यहाँ पे जो आइकॉन दिखेगा एस के, उसको क्लिक करो। नो सर, इट इज नॉट विजिबल। अच्छा, कोई और बताएगा स्टूडेंट्स आप में से, इनको स्क्रीन कैसे दिखना चाहिए, स्क्रीन कैसे दिखेगा, इसके बारे में बता सकते हैं सर? मे बी नेटवर्क इशू। अच्छा, नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा। ठीक है, रिजॉइन करो आप।
आप एग्जिट करके फिर से ये करो, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा। हाँ सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि द एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू विच क्लासिफिकेशन इज डन शुड एग्री विद द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। जिस पर्पज से आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, वो पर्पज उसमें होना चाहिए, ठीक है। हैज़ अ स्टूडेंट जॉइंट? स्टूडेंट ने ज्वाइन किया क्या? यस सर, ओके, नाउ इज इट विजिबल बेटा? यस सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? डेटा आर क्लासिफाइड जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सम फिक्स्ड क्राइटेरिया। हमने अभी देखो, इसके पहले डेटा के टाइप्स देखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल है कि कॉन्स्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के टर्म में डेटा के टाइप देखे। उसके बाद हमने प्राइमरी है कि सेकेंडरी, उसके बेसिस पे मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बेसिस पे देखे थे। इसके पहले मैंने डायरेक्शनल और इसके बारे में भी देखा, सर्कुलर है या फिर इसके जो भी नेचर है डेटा का उसके। तो हमने तीन चार ऐसे अलग अलग मेथड पे डेटा का टाइप देखा है, तो उसमें जो है तो आपको पर्पज, आपको डेटा, हर कोई डेटा एक क्लासिफिकेशन उसके एक फिक्स पर्पज से होता है, वो पर्पज आपको आइडेंटिफाई करना है। वो कर लिया तो आप स्टेबल डेटा कहलाओगे। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी के अंदर में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि एज द पर्पज ऑफ द क्लासिफिकेशन चेंजेस, वन शुड बी एबल टू चेंज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका पर्पज अगर चेंज होता है तो आप वो डेटा का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से करना आना चाहिए, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट करने लायक होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे कि डेटा इज इलास्टिक और क्लासिफिकेशन इज इलास्टिक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया? तो अभी एक नया टॉपिक हम लेने वाले हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों ने फिर से एक बार थम करो कि आपको ये समझ में आ रहा है, जस्ट फॉर द थम्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ये बोलूँगा कि आप सभी लोगों ने कैलकुलेटर ना, साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आप एक परचेस करो। दूसरी चीज़ जो है, आपको क्लास में जो भी होता है, क्लास की कॉपी अलग रखनी है और असाइनमेंट की कॉपी अलग रखनी है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच लेसन और ईच यूनिट हम आपके कुछ असाइनमेंट देते हैं, वो भी टाइम टू टाइम सबमिट करना बहुत ज़रूरी होती है। तो हर यूनिट के ऊपर असाइनमेंट या फिर एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी मैंडेटरी होती है, और वो एक्टिविटी के ऊपर आपके फाइनल मार्क्स ग्रेडिंग किया जाता है ना। इंटरनल जो मार्क्स है ना, उसको कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि आप असाइनमेंट अपने किया कि नहीं है, किया कि नहीं किया है, अटेंडेंस आपकी कैसी है, आपकी यानी कि अदर एक्टिविटीज़ में क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीज़ें देखा जाता है उसमें। ओरल होता है, वाइवा होता है, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो उसके ऊपर होता है। तो आपको अभी से जो है आपका टाइम टू टाइम जो है ये सब आपको अरेंज करना है। आप सोचोगे कि आगे जाके कर लेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा यानी कि काम आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा है तो उसे टाइम टू टाइम बेसिस पे कर लो, यानी कि डेली बेसिस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फैमिलियर कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आप सभी ने हर जगह पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने देखा होगा कि आपको किसी तरीके से मार्क्स ये दिया होगा, मार्क्स 10 to 20। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10 to 20, 20 to 30, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये पर्टिकुलर मार्क्स में, है ना। तो सपोज 10, 21, देन सपोज देर आर 8 स्टूडेंट्स इन दैट। तो ये जो तरीका है डेटा को
मेंशन करने का, हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या फिर आपने कहीं सर्वे किया होगा पर फैमिली कितने चिल्ड्रन हैं, है ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज आपने आइडेंटिफाई किया, नंबर ऑफ फैमिलीज, तो इसमें नो चिल्ड्रेन, वन चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन, थ्री चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि नो चिल्ड्रेन ऐसे फाइव फैमिलीज है, वन चिल्ड्रेन मैक्सिमम 12 फैमिलीज है, वो पर्टिकुलर एरिया में मोहल्ले में जो भी है इसमें 8 है, और ऐसे थ्री चिल्ड्रेन वाले ऐसे 3 केसेस है, तो टोटल फैमिलीज हो गई 17, 25 एंड 28, है ना। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा इसके पहले, आपने देखा है कि नहीं देखा है ऐसा कुछ डेटा आपने इसके पहले? ओके, आपने देखा हुआ है। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन है उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपने एक और चीज़ सुना होगा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनते कैसे हैं, है ना, तो इसके बारे में बताओ। अब मैं इरेज कर देता हूँ ये, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज़ के ऊपर मैं वापस से आऊँगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्या होता है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, एक ऐसे ही कहूँगा मैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना। आप उसमें यूजिंग जो टैली मार्क मेथड आप ऑब्जर्वेशन को क्लासीफाई करते हो, ऑब्जर्वेशन को क्या करते हो आप, क्लासीफाई करते हो, तो उसे आप क्या कहते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेटा मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आप टैली मार्क मेथड का यूज़ करते हो, टैली मार्क मेथड, टैली पता है आपको, ये अगर पांच ऑब्जर्वेशन हो तो 1, 2, 3, 4 आप क्रॉस टैली रखते हो, है ना, तो टैली मार्क। तो ये टैली मार्क मेथड का यूज़ करके आप कुछ क्लासिफिकेशन करते हो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, मैंने 20 फैमिलीज़ का सर्वे किया, उसमें मुझे ये पर्टिकुलर एरिया के इसमें मुझे ये आंकड़ा मिला, 0 to 3 हम कंसीडर करते हैं। तो पहली फैमिली में कोई चिल्ड्रेन नहीं है, 1, then 1 again, 1 again, 2, तो नो चिल्ड्रेन, 1 चिल्ड्रेन 3 चिल्ड्रेन 1 चिल्ड्रेन 2 चिल्ड्रेन 2 2 1 1, नो चिल्ड्रेन अगेन, नो चिल्ड्रेन, सो 2 चिल्ड्रेन 2 चिल्ड्रेन 1 चिल्ड्रेन 3 चिल्ड्रेन, चलो जितना भी हो गया। फिर आपको समझने के लिए मैंने डेटा दिया। तो हम टैली मार्क्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सीधा सीधा हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं x यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, ये सिंबल आपको ठीक से दिखानी है तो मैं ठीक से लिख दे दो, f यानी कि नंबर ऑफ फैमिली आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम टैली ये करते हैं, टैली, है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा है, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। स्मॉलेस्ट क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, 0, लार्जेस्ट क्या है, 3, है ना। तो सबसे पहले आप वो लिखो 0, और उसके अब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन तो फ्रैक्शन में होंगे नहीं, इसमें 1, 2 और 3 रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एज्यूम किया है, जस्ट अ मिनट, just a minute, there is an urgent work, I just mute for 10 seconds. हेलो, सो
there was a urgent work from the office. Anyway, so let's come back to this topic. तो यहाँ पे हम टैली करते हैं कि अभी ज़ीरो ज़ीरो कितने टाइम आ रहा है. देखो टैली करने का एक तरीका होता है. देखो हमने दो स्टेप यहाँ पे कवर किया. पहला तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हमने आइडेंटिफाई किया. उसके बाद लोएस्ट टू हाईएस्ट लिखा, यानी कि ये लोएस्ट है, ज़ीरो वन टू थ्री ऐसे लिख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्लासीफाई वन बाई वन यूजिंग द टैली. तो ये टैली से हमको क्लासीफाई करना है और जिसको यूज़ करें वो क्रॉस करना है. ज़ीरो ज़ीरो को मैंने यहाँ पर टैली लिखा इसके लिए और इसको मैंने क्रॉस कर दिया. अगर ये क्रॉस नहीं करेंगे तो आगे जाके कन्फ्यूजन होगा कि इसको इंक्लूड किया है कि नहीं किया है. उसके बाद ऐसे ही बाकी ऑब्जर्वेशन के लिए करना है. वन वन अपीयर्स हियर, तो इसको भी टैली कर दो. उसके बाद वन टू, कोई अगर एक साथ काउंट करके लिखेगा तो वो गलत तरीका होगा. मैं आपको शायद से ये एक लालच हो सकता है कि चलो मैं एक बार ही काउंट कर देता हूँ, एक दो तीन चार, फिर बाद में सब टैली, तो उसमें 100% मिस्टेक होने वाली है. ठीक है, सेकेंड तो वन बाय वन ये करते जाना है. थ्री, जो भी अप्रोच है उसी को फॉलो करना है. टू, तो सिस्टम से जाइए और एक इसमें जाइए, आप फ्लो में जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा. अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करोगे, मान लो एक भी ऑब्जर्वेशन का गड़बड़ हो गया तो पूरा रिपीट करना पड़ेगा. उससे अच्छा तो ये हो जाता था. टू को हमने किया, ज़ीरो फिर से अपीयर हो रहा है, यहाँ पे लिख लो. वन यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, वन फिर से आया. अभी ये फिफ्थ वाला टैली क्रॉस रखना है. ठीक है, उसके बाद टू, टू को यहाँ पे लिख लो. उसके बाद फिर से टू आ रहा है, वापस से लिखो. टू फिर से आ रहा है, यहाँ पे लिख लो. फिर वन, वन आ रहा है तो वन को क्रॉस करो, यहाँ पे ऐड कर, सॉरी ये मुझे इरेज करना पड़ेगा. ठीक है, वन अभी यहाँ पे लिखूँगा. इसके बाद नेक्स्ट अगेन वन, यहाँ पे लिखूँगा. ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट ज़ीरो यहाँ पे, और टू आ रहा है यहाँ पे लिखूँगा मैं. फिफ्थ टैली अगेन टू यहाँ पे, उसके बाद वन, वन यहाँ पे आएगा. ओके, और लास्ट में आएगा थ्री, तो यहाँ पे रहेगा. ओके, तो फिर मुझे क्या करना है, आखिरी काउंट द टैली, फोर्थ वाला स्टेप. तो ये काउंट द टैली जो है वो फ्रिक्वेंसी रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली मैंने डिफाइन कर दिया है. तो यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे कितना है फोर, यहाँ पे कितना है एट, यहाँ पे कितना है छः, यहाँ पे कितना है दो. तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये कितना हुआ है, आठ प्लस चार प्लस आठ बारह, और छः कितना, अठारह और दो बीस. यस एग्जैक्टली. तो देखो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हो. समझ में आया बेटा आपको? तो ये टैली मार्क मेथड का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये मैंने तरीका बताया, अभी मैंने आपको टाइप्स नहीं बताया है ना, डेफिनेशन नहीं दिया. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि आप अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल आप फ्रीक्वेंसीज, आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हो, है ना. ज़ीरो कितने हैं, वन कितने हैं, टू कितने हैं, थ्री कितने हैं, या फिर अगर क्लास इंटरवल हो, ज़ीरो टू टेन कितने हैं, टेन टू ट्वेंटी कितने हैं, तो ये दोनों को कम्बाइंड अगर आप मिला देते हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करता हूँ. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हो, यूजिंग द टैली मार्क मेथड. ओके, इतना सिंपल है. तो अभी 13:22 हुए हैं. तो अभी नेक्स्ट हमको जो सीखना है वो है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड. उसके बाद डेटा फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे. तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. अभी मैं आपका अटेंडेंस लूँगा. ठीक है, तो हर यूनिट के बाद आपको एक ये मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, एक एक्टिविटी मिलती है. तो आप रेडी रहिए, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी टेकन. ओके, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द स्टैटिस्टिक्स. और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लेक्चर्स होते हैं, अभी मैं अटेंडेंस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, उसके पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूँ. आई थैंक यू ऑल वेरी मच बिफोर आई स्टॉप रिकॉर्डिंग. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू माई लेक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिपोर्टिंग टू मी. ओके,
थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बट जाना नहीं है, यस जस्ट वेट. मैसेज.